Assalamu alaikum and good morning, ladies and gentlemen. Welcome to day 2 of Karachi Literature Festival 2017. We are about to begin our session, Urdu Noon Kya Hua. Please switch off your mobile phones or put them on silent mode. There will be a question and answer session at the end of the discussion. And we would really appreciate it if complete silence is observed while the session is in progress. Our moderator for this session, Saif Mahmood, is a New Delhi-based literary personality, Urdu poetry and literature expert, culturist, commentator, critic, translator, and rights activist. His translations of Urdu works into English have appeared in several prestigious publications. He is currently working on a book on the classical Urdu poets of Delhi. By profession, he is an advocate of the Supreme Court of India, Saif. I now invite Sayyada Zehra to please come on stage. Mr. Ali Akbar Natir. Afzal Ahmed Sayyad. क्या हम लोग शुरू कर सकते हैं? नदी का मोड़ चश्मे शीरी का जेरो बम, चादर शबे नुजूम की, शबनम का रखते नम, मोती की आब, गुल की महक, माहे नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, कितने हसीन उफक से हुएदा हुई है तू, लहजा मली है, नमकखार हूँ तेरा, सेहत जुबां में है, बीमार हूँ तेरा, आज़ाद शेर हूँ, गिरफ्तार हूँ तेरा, तेरे करम से शेरो सुखन का इमाम हूँ, शाहों पे खंदजन हूँ कि तेरा गुलाम हूँ। ये जोश मलियाबादी साहब का ये कलाम उर्दू के मुतालिक। पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि मीरो गालिब व सौदा और मोमिन की दहली से आया हुआ ये ना अहल, क्या कहा जाए, नंगे असलाफ उसको आपने प्रोफेसर आरफा सैयदा जहरा के साथ बिठा दिया है, तो एक शेर गालिब का याद आता है जो मैं ओयूपी की नज़र कर रहा हूँ कि ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों। और मुझसे कहा जा रहा है कि मैं एक घंटे में इनसे, अफजल साहब से और नातिक तीनों से इस बारे में गुफ्तगू करूं। बहरहाल वो शिकवा में आता है अल्लामा का एक बंद की, वो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज, बट फर्क ये है कि आज यहाँ महमूद बंदा है और आप सब जो हैं वो बंदा नवाज। आरफा अपा ने मुझे ये हुक्म दिया कि उनसे शुरुआत ना की जाए, तो अब मैं जो है अपना पूरा स्ट्रक्चर बदलूँगा यहाँ बैठा बैठा जी। और नातिक साहब, आपका ताल्लुक़ जो है वो पंजाब से है, ओकाड़ा से है, आप ये बताएं कि क्या क्लासिक्स में बात हो रही है कि
पहले मैंने इन लोगों से पूछा कि भाई इसका मतलब क्या है कि उर्दू नू क्या हुआ ये जी, ख़ास तौर पे दिल्ली से आए हुए एक ऐसे आदमी के लिए जिसकी मादरी और पिदरी जबान दोनों उर्दू हो, उसके लिए ये बड़ा अजीब सा एक टॉपिक था। तो उन्होंने कहा कि साहब हम ये इस बात पे है कि उर्दू का जो पंजाबीआइजेशन है या पंजाबी का जो इन्फ्लुएंस है उर्दू पे, उसके बारे में आप बात करें। तो नातक साहब ये बताएं कि क्या क्लासिक्स में भी जो उर्दू की क्लासिक की शायरी या क्लासिक की कलमकारी है, क्या उसमें भी पंजाबी का आपको कोई कोई इन्फ्लुएंस नज़र आता है, कैसे नफूस थी उसमें, और कुछ मिसालें देके बताएं। सर साहब देखें, बर्रे सगीर की जो ज़बानें हैं, ख़ासकर दिल्ली, लखनऊ और पंजाब, ये पहले दिल्ली पंजाब के अहाते ही नहीं आता था, तो मेरे ख़्याल में, बल्कि महमूद शेरानी साहब ने इस पर बहुत बड़ा मज़मून भी लिखा है कि उर्दू असल में पंजाबी ही से निकली है। अगरचे बाद में भी इसमें बहुत सारे इख्तलाफात हैं, लेकिन ग्रामर के तौर पर देखा जाए, बहुत से अल्फाज को देखा जाए, तो ये उसमें बहुत से सुराग मिलते हैं। लेकिन जब क्लासिक्स की तरफ हम जाते हैं तो मीर साहब, इंशा, और उसके बाद अकबर, फिर दाग तक आते आते बहुत सारी चीज़ें हैं, मुहावरे एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हुए हैं, इम्तिजाज बना है उनका। देखें, सबसे बड़ा शायर जो मैं समझता हूँ बर्रे सगीर का, सबसे बड़ा शायर वो उर्दू में मैं मीर साहब को समझता हूँ, और सबसे बड़ा शायर बर्रे सगीर का पंजाबी में मेरे ख़्याल में वारिस शाह है, और इसमें कोई इख्तलाफ भी नहीं है ज़्यादा लोगों को। अब इंशा का एक शेर है कि इंशा ज़ाहिर है लखनऊ में थे, पहले दिल्ली में रहे फिर लखनऊ में थे, नवाब आसफुद्दौला और नवाब सादत अली खान के वज़ीर थे, बल्कि उनके दरबारी थे। तो उन्होंने कहा कि सुनाया रात को किस्सा जो हीर रांझे का, अहले दर्द को पंजाबियों ने लूट लिया। सुनाया रात को किस्सा जो हीर रांझे का, अहले दर्द को पंजाबियों ने लूट लिया। तो कब सुनाया? रात को सुनाया। अब वहाँ पे जो महफ़िलें होती थीं, जो मजलिसें होती थीं, तो शाम के बाद रात, आज भी यही, तो बाकायदा बैठ के जब हीर रांझे का किस्सा, प्योर पंजाबी का किस्सा, और कहाँ सुना? ज़ारा इंशा जिक्र कर रहे हैं। इंशा कौन है? जो नवाब सादत अली खान के दरबारी हैं, दरबार में बैठे हैं, वहाँ जहाँ मीर हसन मसनवी पढ़ रहे हैं, वहाँ जहाँ मीर खलीक मरसिया पढ़ रहे हैं, उन जगहों पे बैठ के इंशा ये कह रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो हीर राजे का किस्सा भी वहीं बैठ के पढ़ा गया होगा। तो इसका मतलब है कि वो अब मीर की तरफ आते हैं, तो मीर साहब जो हैं वो पूरे पंजाब में भी फिरते रहे हैं, दिल्ली और लखनऊ में भी गए हैं, तो प्योर पंजाबी के लफ्ज़ जब उन्होंने उर्दू में इस्तेमाल किए, मैं एक शेर सुनाता हूँ तो आप देखें कि पंजाबी का कैसे मैंने मानी लेके उर्दू को उसमें कैसे जज्ब करते हैं। यहाँ पलेथन निकल गया वहाँ गैर, यहाँ पलेथन निकल गया वहाँ गैर, अपनी टिक्की लगाया जाता है। तो अब टिक्की को उर्दू में देखें तो मानी यह है कि पूरी नज़र से देखे जाता है, मेरे महबूब को गैर जो है पूरी आंखों से देखे जाता है, और इधर मेरा बुरा हाल हो रहा है, मैं पसीजे जा रहा हूँ। और जब पंजाबी में देखें तो पलेथन उस साग को कहते हैं जिसको मदनी से बहुत घूटा जाता है और उसको बिल्कुल उसका जूस निकाल दिया जाता है, और टिक्की रोटी को कहते हैं। पंजाबी को रोटी में और टिक्की लगाया जाता है, और साग के साथ उसका क्या ताल्लुक है? पलेथन के साथ, और टिक्की का आँख के साथ क्या ताल्लुक है? वो पूरा पलेथन के साथ। तो वो मीर साहब जानते थे पंजाबी को, और उन्होंने किस तरह उर्दू के अंदर, एक और शेर है अकबर का, होशियार यार जानी ये दश्त है ठगों का, होशियार यार जानी ये दश्त है ठगों का, यहाँ टुक निगाह चूकी और वह और माल दोस्तों का। अच्छा, यार जानी जो है ये अमूमन हमारे यहाँ पंजाबी में बेशुमार इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ होता है सब उर्दू में, नहीं वो इस उसमें हम जो पंजाब में है, जब से मैंने वही संभाला है, तो बिल्कुल, तो एक दूसरे को हमने दिया लिया है। इसी तरह बहुत सारे औने पौने का लफ्ज हम पंजाबी में बेशुमार इस्तेमाल करते हैं, तो दाग का शेर है, मताए दिल पुरानी हो गई, औने पौने बेच डालेंगे इसे।
तो ये जो आप तरकीबें बता रहे हैं जैसे औने पौने वगैरह, ये तो दिल्ली की खास जो है वो गजल तगज़ुल के जी तरकीबें हैं तगज़ुल की। देखें और पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद के खास जो उर्दू है उसमें तो ये रोज़मर्रा की ज़बान में मानी जाती है। देखें वारिस शाह बुल्ले शाह तक ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं और 300 साल पहले से, मतलब मीर से भी पहले, ये इंशा से पहले इस्तेमाल किए गए हैं लफ्ज़। तो हम ये तो नहीं कह सकते, मैंने पहले अर्ज किया ना, महमूद शेरानी को अगर उसकी देखें तो वो कह रहा है बहुत सारे लफ्ज़ हमने उठाए हैं पंजाबी से उर्दू में आए हैं। इस तरह बहुत सारे लफ्ज़ उर्दू से अब पंजाबी में उर्दूवाइज हो गए। तो ऐसे भी कई चीज़ें हैं, कई अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल जिस तरह से पंजाब में हुआ है उर्दू शायरी में, वैसे शायद किसी ईस्टर्न यूपी का शायर या उस तरह का शायर जो ना कहे। फॉर इंस्टेंस जैसे कि अल्लामा का ही एक शेर है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते। तो मुझे नहीं लगता है कि जिगर साहब या फिराक कोई बंदों का इस्तेमाल इस सेंस में करेंगे, वो उनके यहाँ बंदों जो है वो खुदा के बंदे के लिए कहा जाएगा। तो क्या आपका ये ख्याल है कि जो शायर का या राइटर का जो सोसाइटल सर्कमस्टांसेस हैं उससे भी वो मुतासर होता है इस तरह कि वो कुछ अल्फाज का इस्तेमाल उनको आइडेंटिफाई करने के लिए करता है? बहुत शुक्रिया, आपके साथ बैठ के गुफ्तगू करना मज़ा आता है, ख़ुद एक लुत्फ़ की चीज़ है। लेकिन जो कुछ भी मेरी कम इल्मी है उसका पलेथन अली अकबर नातिक साहब ने निकाल दिया। पलेथन खालिसतन संस्कृत से आया, हिंदी में आया, ब्रिज भाषा में बहुत पहले आया और हमारे यहाँ अभी भी जो सही मानों में चपाती और फुलका बनाना जानते हैं उनके पेड़े को पलेथन लगता है। एक पलेथन अब खुद अपने लफ्ज़ों से कहता है वो चीज़ जो किसी को बार बार उलट पुलट के अपने रंग में रंग दे, ये पलेथन के मानिए। खैर मैं इस पलेथन की बहस में नहीं जाती, मैं तो सोच रही थी कि हम यहाँ ये बात करने आए हैं कि उर्दू नू क्या हुआ। अच्छा लफ्ज़ नू सिर्फ हम समझते हैं कि थोड़ी देर के लिए पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है और इयान डालबर्ट की तारीखी नज़रियाती बहस में हम पढ़ गए हैं कि पंजाबाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, तो आज हम पंजाबाइजेशन ऑफ उर्दू की बात कर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उर्दू के मिजाज में पंजाबी शामिल है, उर्दू के मिजाज में सिंधी भी शामिल है, लेकिन गालिब असर जो है वो फ़ारसी की कवायद का और तहरीर का रहा। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी ज़बान को ज़िंदा रहना है तो उसे बदलना है, और अगर वो नहीं बदलेगी तो मर जाएगी, संस्कृत हो जाएगी, उर्दू नहीं रहेगी। मेरी कम इल्मी माफ़ कर दीजिएगा, मगर मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा कि उर्दू ने बदलने से इनकार किया हो या उर्दू ने किसी दूसरे से मिलने से इनकार किया हो। देखिए ज़बानों में तब्दीली दो वजह से आती है, या लगाव से आती है या टकराव से आती है। उर्दू में लगाव से तब्दीली आती गई, उर्दू में टकराव हम अब लेकर आए हैं क्योंकि इससे सियासत की दुकान चमकती है और उनका मुहावरा गर्म होता है। वरना हमारे दरमियान पलेथन कह लीजिए, खुशका कह लीजिए, आटा कह लीजिए, रोटी वही पकती है, उसमें कोई दूसरी तकसीम नहीं होती। दूसरी बात यह कि आपने इंशा का ज़िक्र किया, इंशा ने गज़ल में अंग्रेज़ी के लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिए जो ज़र्रा बराबर नागवार नहीं होते। पत्ते हिल हिल के बजावेंगे फरंगी तंबूर, लाला लावेगा सलामी को बनाकर पलटन। ये लफ्ज़ यहाँ बिल्कुल ना गज़ल के मिजाज से, ना बहर से, ना मानी से, ना उस कैफियत से बाहर होता है। एक बात और भी है, जिस दुनिया में रहने की ख्वाहिश होती है
उस दुनिया की ज़बान बरतने की ख्वाहिश होती है। लॉर्ड माउंटबेटन बहुत सच्चे थे, वो कह के गए थे कि मैं जा तो रहा हूँ मगर छोड़ के उन लोगों को जा रहा हूँ जिनके बदन भूरे और जिनकी रूहें सफ़ेद होंगी। सफ़ेद रूह का बड़ा फ़ायदा है, उसका अपना कोई रंग ही नहीं होता, उसकी अपनी कोई शनाख्त नहीं होती, उसकी अपनी कोई तहजीब नहीं होती और उस पर वो नाज़ा भी नहीं होती। इसलिए हम जिधर को चाहते हैं जिस रंग में चाहते हैं रंग जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि वो जो दूसरी चीज़ है वो हमारा हिस्सा नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल तस्लीम नहीं करती कि हमारी और इलाकाई ज़बानें जो हैं उनके दरमियान कोई टकराव है। हर माशरे को एक तरक्की याफ्ता ज़बान की ज़रूरत होती है और ये तरक्की याफ्ता मुझे यकीन है कि अभी बहुत सी तनकीद को ये मेरा लफ्ज़ जन्म देगा, मगर मैं तरक्की याफ्ता उस तहजीबी और फ़िक्री विरसे को कह रही हूँ जो हमारा गालिब विरसा होता है। और वो फ़िक्र और तहजीब वारिस शाह ने कही हो, बुल्ले शाह ने कही हो, गालिब ने कही हो, मीर ने कही हो। नज़ीर अकबर आबादी मीर से पहले हीर की चूड़ियाँ याद कर रहे थे, उन्हें ककड़ी नज़र नहीं आती थी, वो उसे हीर की चूड़ी जानते थे। अब ये समझ लीजिए कि हीर हमारे यहाँ दो चीज़ों की अलामत है, हुस्न की तो होगी सो होगी मगर मोहब्बत में जो वाबस्तगी की अलामत है वो शीरी को मैसर नहीं हुई, वो हीर को मैसर हुई क्योंकि हीर इस ज़मीन से पैदा है। तो जो आप पंजाबियाइजेशन की जो बात हो रही थी तो मुझे जी, तो एक साहब ये किस्सा सुना रहे थे, पता नहीं कहाँ तक सही है, कि फैज़ साहब से किसी ने पूछा कि वो फलां साहब जो है वो कहते हैं कि मैंने वहाँ जाना है तो ये तो गलत उर्दू है। तो फैज़ साहब ने फरमाया कि देखिए ये मुझे नहीं मालूम है कि गलत है कि सही है, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता है कि उनको कहाँ जाना है, लेकिन ये ज़रूर पता चलता है कि वो आ कहाँ से रहे हैं। तो ये अच्छा, हिंदुस्तान में भी यही एक शेर है शौक बैराची साहब का कि उर्दू का गला घोट के अब देश हुआ शुद्ध, अरबाब सुखन बैठ के घुइयां छीलें। अफजल साहब, कुछ और रंग में तरतीब खुश को तर करता, जमीन बिछाकर हवा ओढ़ कर बसर करता, आपके अशार में अक्सर जो है बिल्कुल जिसको कहा जाए कि प्योर तगज़ुल के अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है और बहुत ही सकील अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वैसे ही आपकी जो नसरी नज़में हैं वो बिल्कुल सीधी सादी हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आपके जो पंजाबी फ़ैन्स हैं उनमें कोई ऐसा कोई खलल पैदा होता है क्या जब आप इस तरह के सकील अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं? बरह रास्त मेरी शायरी से मुतलिक सवाल कर दिया जी, मेरे ख्याल है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जो कुछ भी मेरे पढ़ने वाले या पसंद करने वाले हैं तो वो पंजाब में भी बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, सिंध में भी हैं, आपके हिंदुस्तान में भी हैं। तो ये ज़बान नसरी नज़्म तो खैर काफ़ी आसान से ज़बान में लिखता हूँ, लेकिन बहुत फ़ारसी आमेज़ गज़ल जो है उसके भी यानी पसंद करने वाले और उनके अशार को याद रखने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन जब अभी आप ये बात कर रहे थे कि आते हुए मैंने सोचा कि पंजाबी का कितना असर किस तरीके से होता है, तो मैं आमतौर पर गज़ल में काफ़ी रवायत का या ज़बान का ख्याल रखता हूँ जो एक स्टैंडर्ड उर्दू समझें या जो कुछ है। तो लेकिन मैंने एक मिसरा लिखा कि बहुत दिनों में समझ मुझको हाल गैर आया, तो ये उर्दू का कोई शायर है तो उस पर फ़ौरन इतराज़ कर देगा कि समझ आना जो है ये समझ में आना होना चाहिए। अच्छा, एक जगह मैंने लिखा कि उसे कहो कि बहुत नामुराद शह है जुनू, उसे कहो भी एक बार मुहावरा उर्दू नहीं हुई, उससे कहो उसको कहो। तो मैं यानी इतना ज़्यादा उस तरह पंजाबी से एक्सपोज नहीं हूँ, कराची में बैठा हुआ मेरे दोस्त हैं, मैं वहाँ जाता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ और मीडिया पर हर जगह, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद पहुँच जाती हैं यानी अवामी सतह से शायरी में भी आ जाती हैं। अभी हमारे यहाँ एक बहुत दिलचस्प भी और बहुत कौमी लिहाज से बहुत अहम मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें एक दलित वकील साहब
माकूल दलील नहीं दे सके और वो उन्होंने कुछ और कहना शुरू किया, तो हमारे एक मोजिज जज ने कहा कि आप तो पतली गली से निकल गए। तो पतली गली से निकलना ये कराची की सड़कों का मुहावरा है, और वो तरक्की करते करते अदालत उज़्मा के जज की ज़बान तक भी पहुंच गया। अब वो मुस्तनद हो गया। अब मैं पहले गुरेज करता कहीं इस मुहावरे को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन अब इसको एक ताइद हासिल होगी। ये ताइद लोगों ने दिलवाई, लोगों ने इसको इतना इस्तेमाल किया कि वो जो जिन इकतदार के लोग हैं, अशराफियाँ हैं, उन्होंने भी इसको अख्तियार कर लिया। फिर हमारे यहाँ बहुत शायर हैं उर्दू में, जैसे कि अभी नातिक ने कहा और तारीख़ी हकीकत है कि उर्दू पंजाबी से निकली है, सिंधी से भी और ज़बानों से भी उसने इक्तसाब किया है। तो एक शायर है, वो जहाँ भी मुझे लब खोलने का लोगों के सामने मौका मिलता है तो मैं उसको हमेशा याद करता हूँ और बहुत अकीदत के साथ याद करता हूँ। उसका नाम है जाफ़र ज़टली। अच्छा, जिसे हमने फौश निगार समझ के बिल्कुल ही दफन कर दिया है, फारूख सियार ने फांसी दे दी थी, उसको फांसी दी थी। वो वाहिद शायर है उर्दू का जाफ़र ज़टली से लेके और अली अकबर नातिक तक, जिसे एक सियासी बयान पर फांसी दी गई, और ये एजाज़ उर्दू के किसी शायर को नहीं मिला। नातिक को भी अभी तक नहीं मिला है, लेकिन वाला है। लेकिन जो बात मेरे कहने की ये है कि अगर आप उसका कलाम पढ़ें तो वो एक तरीके से एक ज़बान बनती हुई नज़र, वो शाहजहाँ के दौर या आलमगीर के दौर के शायर हैं इन तमाम लोगों से पहले, तो उनके कलाम में कोई 25% पंजाबी के लफ्ज़ हैं, 20% फ़ारसी है, कुछ साफ उर्दू कह लें। तो आपको इस ज़बान की पूरी शक्ल लेके अगर आप कहीं किसी एक तस्वीर में देखना चाहें तो वो जाफ़र ज़टली की किताब में मिल जाएगी, उसके कलाम में मिल जाएगी कि उर्दू किस तरह से आई। फिर हमारे बहुत शायरों ने हमारे दौर में सबसे बड़े, अगर मैं कह दूँ या कम अज़ कम सबसे बड़े शायरों में एक ज़फ़र इकबाल साहब हैं। वो उर्दू से पंजाबी नहीं, मुख्तलिफ और भी जो बरसग़ीर की ज़बानों के कुछ मुहावरे हैं, कुछ अल्फाज हैं, वो अपनी गज़लों में इस्तेमाल करते हैं, और वो बाकमाल शायर हैं। ज़ाहिर है वो जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो सोना हो जाती है। तो अब कराची में एक मुहावरा है जो शायद दिल्ली तक अभी नहीं पहुँचा होगा, कि अब हम ये नहीं कहते कि मुझे, मेरे को, तेरे को, ये एक हमारी गुफ्तगू में आ गया है बच्चों में ख़ास तौर पर। अब उसने उसको गज़ल में बना दिया, अब वो मुस्तनद हो गया। मालूम नहीं इश्क के सौदे में खसारा मेरे को ज़्यादा है कि तेरे को ज़्यादा। तो मेरे ख्याल में नहीं, ये मेरे ख्याल से तो ये दिल्ली से कराची तक पहुँचा था। चलिए जी जी, क्योंकि ये तो आपको हमारे यहाँ अक्सर ये इसको हमारे वालिद साहब कहते हैं कि ये जो आपकी खबासत ये बॉलीवुड से आप सीख रहे हैं इसको, और हम लोगों से कहा जाता है। अब मैं यहाँ आता हूँ कराची तो आप लोग फरमाते हैं कि आपका तलफ़ुज़ बहुत अच्छा है, आप उर्दू बिल्कुल लखनऊ वालों की तरह बोलते हैं। हमारे वालिद जो लखनऊ के हैं और 1960 से दिल्ली में रह रहे हैं, वो कहते हैं तुम पंजाबी हो गए। मजाज मेरी वालदा के मामू थे, और उनके बारे में ये बहुत मशहूर है कि वो उनको यहाँ लाहौर बुलाया गया और उनको उनकी खूब खातर मदारात हुई। जब वापस जाने लगे तो उनसे पूछा कि मजाज तुम्हें लाहौर कैसा लगा, तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, शहर तो बहुत अच्छा है, बस पंजाबी बहुत हैं। नातिक साहब, आपने भी खुद तो अपने कलाम में इस तरह के अल्फाज का, इस तरह की तरकीबों का इस्तेमाल किया है, तो कुछ सुनाएंगे आप? मैं एक नज़्म सुनाता हूँ, उससे पहले एक लतीफ़ा सुना देता हूँ। मुझे उर्दू बोलते हुए या मैं जब बोलता हूँ सबको पता चल जाता है मैं पंजाबी हूँ, और प्योर उकाड़े का पंजाबी हूँ। तो मैं दिल्ली में गया तो वहाँ एक रक्शे में बैठा, तो पुरानी दिल्ली देख रहा था, तो रक्शे वाले वो बिहारी था। अच्छा, वो ज़बान से पता चल जाता है ये बिहारी है। तो कहने लगा, भाई कहाँ से हो? मैंने कहा, भाई पूछ लो। अच्छा, मैंने वहाँ कोशिश की कि मैं उर्दू ज़रा अच्छे तरीके से बोलूँ ताकि वो, तो कहने लगा, मुझे तो आप दिल्ली के लगते हो। अच्छा, दिल में मैंने कहा कि यार ये देखो किससे सनद ले रहा हूँ मैं। तो कहने लगा कि आप पूछो मैं कहाँ से हूँ। मैंने कहा आप बिहार के हो। कहने लगा, वो कैसे पता चला? मैंने कहा आपकी उर्दू बड़ी ख़राब है। तो
आप इसको ख़राब उर्दू समझ लें, जैसी भी समझ लें, मैंने कुछ नज़मों में तजुर्बात किए हैं तो मैं वो एक नज़म सुनाता हूँ। लके कबूतर किसने पाले जिस घर गागरे वाली नार, लगे कबूतर किसने पाले जिस घर गागरे वाली नार, जिस घर ऊंचे बांस की छतरी और छतरी के फुमन चार, जिसकी छत पर चांद खुदा का और बनेरे जालीदार। लगे कबूतर किसने पाले जिस घर गागरे वाली नार, जिस घर ऊंचे बांस की छतरी और छतरी के फुमन चार, जिसकी छत पर चांद खुदा का और बनेरे जालीदार, खड़े बनेरों के किंगरों पर सुर्ख लहू की फैली धार, जिस घर दूधिया रंग के हीरे और हीरों की नाफ इनार, जिस घर माल गुलाबी सारा कस्बा जिसका पहरेदार, लके कबूतर पालने वाले जग भीतर हैं बस दो चार, लके कबूतर किसने पाले, लके कबूतर जिसने पाले उसके चौंतरे छन छन बाजे, दुबले गले की गानी वाले गुटकू गुटकू बोल के भागें, रात सितारों वाले दीवे उजले दिनों को सूरज लागें, लंबे दिनों की धूप सुनहरी धूप में मुंदरी वाले जागें, लके कबूतर पालने वाले बाजरा छड़ के लाते हैं, लाल कनाली आवी वाली पानी से भरवाते हैं, कासनी बाथू कूट के पोचा आंगन में फरवाते हैं, फूल लवे की तोरियों वाले क्योड़ा भर छड़काते हैं, गागरे वाली और कबूतर रक्स में तैरते जाते हैं, देखने वाले लोग नदीदे कोठों पर आ जाते हैं, पतले आप के शीशे ले देखने वाले लोग नदीदे आँखों को सहलाते हैं, पतले आप के शीशे लेकर कोठों पर आ जाते हैं। आपसे मेरा एक सवाल है पापा कि दिलों को जोड़ने में भी तो एक का उर्दू और जो उर्दू में पंजाबी अल्फाज हैं उन्होंने कोई किरदार अदा किया होगा, तो लाहौर और कराची का जो फासला है उसको कम करने में इसने क्या किरदार अदा किया है? कल शाम से जब उर्दू ज़बान की बात होती है तो सिर्फ जुग्राफिया की बात हो रही है, कोई गंगा जमनी का ज़िक्र करता है, कोई पंजाब का ज़िक्र करता है, कोई लाहौर और कराची के फासले का फ़र्क ज़िक्र करता है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं तो ये सोच रही थी कि शायद हम इस पे बात करेंगे कि आज उर्दू जिस तरह हमारे दरमियान मौजूद है, जिस तरह हम उसे बरतते हैं, लिखने वाले उसे जिस तरह लिखते हैं, समझने वाले उस तरह समझते हैं, उसमें हरज क्या है? बात तो इतनी थी, लेकिन पता चला कि इलाकों तक बात रह गई है और इयान टालबॉट का नज़रिया यहाँ भी हावी है। ये मैं इलाकों में यकीन रखने वालों में से नहीं हूँ, मेरे नज़दीक ज़बान का जुग्राफिया होता होगा मगर उससे बड़ी ज़बान की तारीख होती है, और तारीख के बग़ैर जुग्राफिया की कोई मानी नहीं होते। एक छोटी सी बात है कि जिस वक्त उर्दू वजूद में आ रही थी तो जो सबसे बड़ा कमाल था कि गालिब ने, इक्तदार वाले ने यह हौसला किया, ये ज़र्फ़ दिखाया कि हम अपनी ज़बान छोड़ते हैं, ज़िद नहीं है कि हम फ़ारसी बोलें या तुर्की बोलें या अरबी बोलें, हम वो ज़बान बोलें जो सबकी ज़बान होगी। इसे मैंने लगाओ की ज़बान कहा था, और लगाओ की ज़बान से सिर्फ लफ्ज़ नहीं बदलते और लहजे के बदलने से एहसास नहीं बदलता। लहजा मुख्तलिफ हो सकता है,
पंजाबी ज़रा ज़्यादा जोश से मोहब्बत कर सकते हैं। सिंधियों के यहाँ एक बहुत नरमी है, और हमारे KPK में अगर मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना मिले तो जवाब गोली है। इसमें ज़बान का कोई कसूर नहीं। और अगर मोहब्बत से मिले तो अगवा है। मुझे इसका तजुर्बा नहीं। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि उर्दू को बदलना चाहिए। ये जो एक और भी तमाशा हुआ है हमारे यहाँ, जो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सी हट के बात करूँ कि दो चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, एक इत्तला और एक इल्म। अगर ज़बान सिर्फ इत्तला के लिए इस्तेमाल हो तो उसका बेहुरमत होना जायज़ है, लेकिन अगर ज़बान इल्म के लिए इस्तेमाल हो तो उसकी बेहुरमती किसी तरह जायज़ नहीं, किसी तरह जायज़ नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ क्लासिकी ज़बान में हम पलट पलट के ढूंढें कि कहाँ हीर है, कहाँ राझा है, कहाँ खीर है, कहाँ रोटी है, कहाँ साग है, कहाँ पलेथन है। देखिए ये कि क्या इंसानी तजर्बा वही है या तजर्बा बदल गया। अगर तजर्बा बदलेगा तो ज़बान बदलेगी, अगर तजर्बा बदलेगा तो ज़बान बदलेगी। किश्वर नाहिद मेरे सामने बैठी हैं, क्या क्या सितम ना इन्होंने लिख डाला, और जिनके लिए लिखा उनके कानों में तो सीसा घोला है, उनके कानों में सीसा घोला है। अगर वो समझ जाते कि वो क्या कह रही हैं तो यकीन मानिए हर ज़बान में तड़प के मर जाते। सवाल मेरे नज़दीक ये है कि जब आपकी दानिश, आपकी फहम, आपकी पेशबीनी, आपकी ज़िंदगी के सारे उतार चढ़ाव सिर्फ TV के एंकर के कब्ज़े में होंगे तो फिर ज़बान का हाल वही होगा जो मेरा और आपका हाल हो रहा है। पता ये चलता है कि बात करने का मतलब ये है कि इतना चीखो कि दूसरा तुम्हारी बात ना समझ सके, और फिर उसका जवाब ये है कि सब मिल के चीखो ताकि कोई भी ना समझ सके। चीख में और बोली में बड़ा फ़र्क है। चीख के मानी नहीं होते, ज़बान के मानी होते हैं। लफ्ज़ का पैकर होता है, ख्वाबों को तराशता है। नए ख्वाब देखने की किसने मनादी की है? अगर उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, अब आप देखिए कि हम समझते हैं कि सिर्फ पंजाबियों का फिटे मुंह है। आया तो मगरब के पार से, उधर से वो हमारा फिटे मुंह करते आए, पश्तो में बोलते आए, और वो पुरानी पश्तो उसमें कहता फत्ते दर मुंह, तो हमने दर भी निकाला, ते को टे से बदला। अब उनके लहजे में टे नहीं है, फारसी में गो की ज़बान बेहद खूबसूरत है मगर चूंकि टर टराते नहीं हैं इसलिए टे नहीं है। हम चूंकि बोलते कम हैं टर टराते ज़्यादा हैं, इसलिए सोचते हैं कि जितने ज़बान को पलट के बात कहते रहेंगे। मत घबराइए कि उर्दू का मिजाज आज वो नहीं है जो क्लासिकी था। बहुत पुरानी सी बात है कि उस्ताद थोड़ी देर ताखीर से, देर से क्लास में पहुँचे तो उन्होंने शागिर्दों से माजरत की कि बेहद शर्मसार हूँ, खातिर नाजुक पर जो बार गुज़रा तकातुर इम्तार बाईस से ताखीर हुई। शागिर्दों ने समझा कोई मुश्किल सवाल हल करने को दे दिया। वो बात सिर्फ इतना कहना चाह रहे थे कि माफ़ी चाहता हूँ, बहुत शर्मिंदगी है, मुसलसल बारिश की वजह से थोड़ी सी देर हो गई। कुछ लोग जानबूझकर माजी की तरफ पलटते हैं, और कुछ लोग जानबूझकर मुस्तकबिल की तरफ
चलना नहीं चाहते, छलांग लगाना चाहते हैं, और छलांग लगाने में आमतौर पर आदमी दरमियान में खाई में गिर जाता है। हम लोग 10 मिनट बचे हैं तो कुछ सवाल ले लेते हैं ऑडियंस से। वैसे इस बात पे मुझे एक छोटी सी बात जो याद आ रही है वो ये है कि मुझे याद नहीं कि किसका ये लिखा हुआ है, लेकिन एक किसी साहब ने अपने सफ़रनामे में लिखा है कि मैं 1920 की दहाई में लखनऊ में जा रहा तांगे पे सवार जा रहा था, और वो कहना ये चाह रहे हैं, मैं आपको उर्दू की नज़ाकत का जिक्र कर रहा हूँ, कहना ये चाह वो चाह रहे हैं कि घोड़े तांगे वाले ने घोड़े को माँ की गाली दे दी। और ये बात कैसे फरमाते हैं कि बिलाखिर तांगे की सुस्त रफ्तार से तंग आकर तांगे वाले ने घोड़े को उसकी वालिदा से उसके नाजायज ताल्लुकात की याद दिहानी कराई। अब ये बात उर्दू के अलावा किस ज़बान में कही नहीं। मुझे इस बात पर एक इजाजत दीजिए, एक बात की इजाजत दीजिए। मैं 70 की दहाई में खुशनसीबी से लखनऊ गई जब मैं तालिब इल्म थी और अपनी तहकीक के लिए यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी। हजरतगंज जो वहाँ का बड़ा ज़बरदस्त इलाका, वहाँ से गुजरी तो एक केले वाले के पास मैं पहुँची, और मैं एक मुझ जैसों से जितनी शाइस्तगी मुमकिन हो सकती थी अपने लहजे में जमा करके उनसे पूछा कि आज क्या भाव दीजिएगा। बोले बिटिया आज तो 3 रुपए का भाव है। मैंने सोचा हमारे जैसे हैं ना, लाहौर में भी हम ऊंचे नीचे की बात। मैंने कहा 2.5 रुपए न दे दीजिएगा। बोले 3.25 वाले तो अरमान लेके चले गए। ये लखनऊ में ही मुमकिन, ये लखनऊ में ही मुमकिन। कुछ सवालात ऑडियंस के अगर हों जी। सर माइक, यस। बहुत खूब इसकी तो वजाहत हो गई कि जबान को बदलना चाहिए, चाहे सिंधी पंजाबी किसी चीज़ से, तो ये तो सब ठीक है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अंग्रेज़ी की जो भरमार है इसके ऊपर आपने किसी ने कुछ नहीं कहा है, क्या आप इसको सही समझते हैं? हमें तो बहुत खलता है, आप बताइए। नातिक साहब आप जी। मैं एक अफजल साहब जी, देखिए मैं एक छोटा सा जवाब देते आज। मैं एक यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, तो ज़ाहिर है वो सब अंग्रेज़ी मीडियम से बच्चे पढ़ के आए हैं। उन्होंने एक काम किया है, उन्होंने कहा है कि क्रिएटिव राइटिंग आपने उर्दू में सीखनी है, और चूंकि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो पाकिस्तान में जो अवामुन्नास की ज़बान है, अगर ये यहाँ से आप जाएंगे टीवी में, अखबार में, मीडिया में, तभी आपको काम मिलेगा, वरना बहुत सारे ये नौकरी की अरमान लेके ही चले गए। डॉन एक टीवी था जो जिसने इंग्लिश में शुरू किया प्रोग्राम, तो वो कामयाब नहीं हो सका। तो मेरे ख्याल में आवाम ये फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है कि इंग्लिश हमें खा जाएगी। यहाँ 18 करोड़ की आबादी में अगर कोई 2 लाख इंग्लिश में बात कर रहा है तो कोई ऐसा हर्ज भी नहीं है, और तासुबाज़ ज़बानों के मतलब मेरे ख्याल में होने भी नहीं चाहिए। तो बाज़ औक़ात लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि उनको हम अडॉप्ट कर लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि ये किस ज़बान का लफ्ज़ है, हमारी वो रवानी में आ जाता है। तो मैं तो परेशान नहीं हूँ इस मामले में जी। नहीं देखिए, ये मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि अंग्रेज़ी की अहमियत अपनी जगह पर होते हुए भी उसकी जो सियासी ताकत है, जो मुआशी ताकत है, वो पाकिस्तान में ज़रूर ख़त्म करनी होगी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर वो सिर्फ 1% या 1.5% लोग जो हैं अंग्रेज़ी से करीब आ जाएंगे और बाकी सारी सोसाइटी जो है वो दूर भी हो जाएगी, और उसके नतीजे में वो गरीब से गरीब तर भी हो रही है, क्योंकि जो मौके पाकिस्तान में मिल रहे हैं तजारत में, मुलाजमत में, हर जगह, उसमें अंग्रेज़ी को फौरन तरजीह मिलती है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें इन्हीं हुकूमत ने शायद सोची। एक बहुत दिलचस्प स्कीम वज़ीर तालीम ने हमारे दी थी 2015 में 14 अगस्त को, उसमें यह था कि वो एक ज़बान बनाएंगे जिसका नाम होगा उर्दिश, जो अंग्रेज़ी और उर्दू के। अच्छा, वो मेरा ख़्याल है अखबारों में शायद एक दिन आई और उसकी इतनी मुखालफत हुई, वो इतनी अहमकाना एक तजवीज़ थी कि मेरा ख़्याल है 2 साल बाद आज मैं यहाँ बैठ के इसका नाम ले रहा हूँ। लेकिन इस पर बहुत संजीदगी से बात हो रही है। अंग्रेज़ी तो एक जाम जहानुमा है, आपको बहुत सारी इतलात अंग्रेज़ी से मिल सकती है, उससे अब मुफर नहीं है। लेकिन अंग्रेज़ी के साथ साथ अगर हम
اپنی مادری زبان اور ایک قومی زبان اردو ہے اسے ہم اگر چھوڑ دیں تو وہ تو کوئی سلسلہ بنے گا نہیں. اب کس لیول پہ سکھانا چاہیے؟ ابھی دو دن پہلے کراچی میں ایک کانفرنس ختم ہوئی ہے اور اسے پاکستان کے بہت اچھے دانشور شریک ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ جو مادری زبان ہے اور جو جس زبان کی وہ بات کر رہے ہیں وہ تھوروالی زبان ہے جو کہ سوات کے علاقے میں بولی جاتی ہے اور ظاہر ہے بہت کم لوگ اسے بولتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ اسکولوں میں پری اسکول دو سال تک بچے کو صرف اس کی مادری زبان میں پڑھایا جائے, گریڈ ون سے اسے اردو سے آشنا کیا جائے اور پھر آگے جا کے انگریزی بھی تیسرے چوتھے گریڈ سے, اور وہ تینوں زبانیں پڑھے. اس لیے کہ جب تک وہ تینوں زبانوں سے نہیں آشنا ہوگا, اپنی مادری زبان سے نہیں آشنا ہوگا, اس کو آئیڈینٹی کرائسس رہے گا, وہ جو ہے اس کی کوگنیٹو تھنکنگ کی صلاحیت ہی اس حد تک نہیں پہنچے گی کہ وہ کسی اور طریقے سے جا کے زندگی میں سیکھ سکے. وہ ایک لگی بندھی لائن میں چلتا رہے گا اگر اسے صرف انگریزی میں ہی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا. تو اردو, ایک اور چیز میں بتا دوں کہ پتہ نہیں میں اس کے موضوع کو اردو نو کیا ہوا تھوڑا سا غلط سمجھا تھا. یہ اردو ورسز پنجابی تو شاید کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے, وہ خود بخود زبان بن جائے گی. اب جیسے علی اکبر ناطق صاحب کا ناول ہے نولکھا کوٹھی, کل میں ان سے بات کر رہا تھا اسی موضوع پر, تو انہوں نے کہا میں نے تو اس سے بے شمار پنجابی محاورے اور بہت ساری چیزیں لکھی ہیں. اچھا, اس ناول کو میں نے بہت شوق سے بہت دل لگا کے پڑھا, مجھے کہیں بھی احساس نہیں ہوا کہ یہ اردو میں نہیں لکھا گیا اور اس میں کوئی پنجابی کے لفظ آ گئے ہیں یا محاورے آ گئے ہیں یا صورت حال آ گئی. تو اردو پنجابی کافی قریب بھی آ رہی ہے, اتنا فرق اس میں رہا نہیں. بات نہیں, جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب اردو کو بس دو منٹ, اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا تھا لیکن اب پھر عدالت عالیہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اردو کو نافذ کیا جائے اور بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے. مجھے معلوم ہے بہت سارے ڈاکومنٹس کا اردو میں ترجمہ ہو رہا ہے, بہت سارے فارمز جو ہیں وہ بائیلنگول ہو جائیں گے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب میں کسی کو ایک چیک کاٹ کے دیتا ہوں, جو شخص اردو نہیں پڑھ سکتا وہ انگلش میں لکھا ہوتا ہے, وہ شاید وہ صرف فگرس سے معلوم کر لیتا ہے کہ اسے کیا اماؤنٹ ملی ہے, اس کے نام ہے یا نہیں ہے, اس کو یہ بھی پتہ نہیں. تو کتنی ایک بڑی آبادی کی محرومی ہے, یہ ختم ہوگی. اور دوسری بات, آپ ہندوستان سے آئے ہیں تو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ ابھی حال میں نے رخشندہ جلیل صاحب کا ایک آرٹیکل پڑھا ہے, تو جو انہوں نے ہندوستان میں اردو کی صورتحال بتائی وہ بہت ہی حوصلہ افزا اور خوشی کی بات ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں بے شمار مشاعرے ہو رہے ہیں, داستان گوئی کے فنکشنز ہوتے ہیں اور ریختہ کا جو جشن ریختہ ہے وہ کہہ رہی ہیں وہ کسی بھی اعتبار سے جے پور لٹریری فیسٹیول سے کم نہیں ہے. اچھا, انہوں نے اس کی ایک وجہ دریافت کی ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ اردو جو ہے وہ اجتماعی لاشعور میں ہندوستانیوں کے پڑی ہوئی تھی, تو وہ کہیں نہ کہیں کسی گوشے سے وہ سر ابھارتی ہے اور اردو سے محبت, اردو سے توجہ جو ہے وہاں آ جاتی ہے. اردو کے بے شمار رائٹر پیدا ہو رہے ہیں, وقت نہیں رہ گیا میں ان کا نام بتاتا, اردو کے جو مصنفین ہیں ان کی کتابوں کے ترجمے ہو رہے ہیں, ہم دو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری تصانیف کے جو انگریزی میں ترجمے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے ادیب جو ہیں ان کے ہوئے ہیں. تو اردو تو ہر لحاظ سے مجھے بہت ہی اچھی اور خوبصورت صورت میں نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ. عرفہ آپ بھی ذرا اس کا کوئی جواب دیں. بے حد اچھا سوال خاتون آپ نے پوچھا ہے, اور اس سے زیادہ میرا جی خوش ہو گیا جو آپ نے کہا کہ ہمیں کھلتا ہے. مجھے اس سے بھی زیادہ کھلتا ہے. اگر اس کے پیچھے تھوڑی سی وجہ دیکھیے تو وہ یہ ہے کہ جب تک تعلیم کی ذمہ داری آئینی طور پر حکومت نے اپنے ہاتھ میں رکھی تو زبان اور قومی شناخت کا مسئلہ قابو میں رہا. جس دن سے حکومت کو یہ خیال آیا کہ ان کے پاس تو اور بہت سے کام ہیں خاص طور پر دولت جمع کرنے کے, تو تعلیمی طور پر غریب کر دینے میں ملک کو کیا حرج ہے. ایک غربت یہ آئی. دوسرا کمال یہ ہوا
माफ़ी चाहती हूँ किसी की दिल आज़ारी हो, कि सेठ ने देखा कि मैदान खाली है, इसका कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा, वो धम से मैदान में आए, वो धम से मैदान में आए, जश्न मनाया और तालीम यकायक इस कदर ऊंची हो गई कि वो इंग्लिश मीडियम हो गई। हमने ये सोचा कि जब दूसरी ज़बान बोलने लगते हैं तो ख़याल भी बदल जाता है, फ़िक्र भी ख़ुद ब खुद आने लगती है, तख्लीकी सलाहियतें भी सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान से उधार ली जा सकती हैं, हमारे पास क्या रखा है। बहुत लुत्फ़ की बात यह है कि जब इल्म की हैसियत नहीं रहेगी तो इल्म के इजहार की भी हैसियत नहीं रहेगी। उर्दू ज़बान हमारी शनाख्त, हमारी तहज़ीब और हमारे इल्म की निशानी थी। हमसे अगर आज कोई पूछे, आप यकीन मानिए, पिछले 50 बरसों से मैं जब किसी घर में जाऊँ, किसी बच्चे ने नया नया पढ़ना और बोलना सीखा हो तो वो मुझे अभी भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाता है। मेरा जी चाहता है कि वो कोई उस मुझसे कहे कि उठो, आँखें खोलो, देखो बिस्तर से उठकर बाहर सूरज निकला है। नहीं, ये नज़्म हमारे लिए नहीं है, क्योंकि उर्दू तो वो लोग बोलते हैं जो कहीं बड़े गिरे पड़े, जिन्हें कंधे उचकाना नहीं आते, चूँकि कंधे नहीं उचका सकते इसलिए उर्दू नहीं बोल सकते। अपने ऊपर एहसास कमतरी को मुसल्लत कर देना किसी माशरे की सबसे बड़ी ख़राबी और सबसे बड़ा गुनाह होता है। अपने आप पर एतबार करने लीजिए, उर्दू फलेगी फूलेगी, अंग्रेज़ी से मिलती है तो मिल लेने दीजिए। आज हम टेलीफोन कहते हैं, टेलीविज़न कहते हैं, ट्रेन चलती है, गार्ड आता है, जैसे जैसे ईजादात आती हैं, जिन चीज़ों से हम वाकिफ नहीं होते वो अपने लफ्ज़ साथ लाती हैं। हमने अंग्रेज़ी के साथ एक और भी कमाल किया है कि अंग्रेज़ी बोलते हैं और उसके लफ्ज़ों को ग़लत मानी में बोलते हैं। हाँ, हिज्जे और तलफ़ुज़ की तो बात जाने दीजिए, हमने मानी बदल डाले। तो जब हमारा ये आलम हो, और हमारा ये आलम क्यों है, हमें माशरे ने सिर्फ एक बात सिखाई है कि इज़्ज़त तौकीर मनसब से होती है। मनसब सियासत की मुट्ठी में है, वो जिसके सामने वो एक आध मोती गिरा दें। जिस दिन से हम अपनी इज्जत खुद करने लगेंगे, यकीन मानिए उर्दू फलेगी फूलेगी, आज भी कम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका एक सवाल है। आरफा आपा, आपसे है कि आपने जो बोले फारसी नुमा मिस्रा बोलकर फिर आपने उसकी उर्दू में आसान कहा कि ये मानी थे उसके, वो मेरा सवाल है कि वो वाली उर्दू जो हिंदुस्तान या ऑल इंडिया रेडियो वाली उर्दू, संस्कृताइज नहीं, पर्शियनाइज नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकती कि उर्दू फलेगी फूलेगी, असिमिलेशन और डेकेडेंस में फ़र्क है। आपका जो ये टाइटल है, मैं इसकी बात कर रही हूँ कि यही नहीं गलत है, ना ये उर्दू है ना ये पंजाबी है, उर्दू नू की होया ये होना चाहिए था, अगर पूरी पंजाबी उर्दू नू क्या हुआ, यही इसकी बात कर रहे हैं हम कि ना इधर आधे तीतर आधे बटेर की, तो आप तो उसको टालिए नहीं, तो क्या हम नहीं हैं आधे तीतर आधे बटेर? हाँ, तो आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं और फिर जब आपको स्पॉट पे रखा गया तो उर्दू तरक्की करेगी, वो मीडिया वाली बात, शायद मीडिया से नहीं, नहीं मैं यकीन से कह रही हूं, डेकेडेंस और असिमिलेशन में फर्क है ना। देखिए, अगर असिमिलेट करना, मैं आपसे इस पे बहुत अच्छा मुबाहसा कर सकती हूँ, हाँ अलग, क्योंकि मुझे बहस में लुत्फ आता है, लेकिन बहुत से सवाल हैं, पहले उनका जवाब दे लेते। जी, पीछे अच्छा, ठीक है, तो आपको सवाल पहले अगर आप इजाज़त दे दें तो, वो बहुत देर से मुंतजर हैं वो साहब, भले उनको दे जी। जी, अस्सलाम वालेकुम आरफा आपा, मेरा सवाल आपके लिए है। आपने कहा जब शुरू में उर्दू में गालिब जैसे शायर जो थे उन्होंने भी एतराज़ नहीं किया और उर्दू को बखूबी अपनाया और फारसी ज़बान छोड़ दी, आपने लगाव की भी बात की ज़बान से, लेकिन आजकल
اردو کے حوالے سے لگاؤ نہیں دکھتا معاشرے میں، اب تو وہ لگاؤ کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ اور اس سوال کے علاوہ ایک آبزرویشن تھی، علی اکبر ناطق، آپ نے کہا کہ یو نو کہ اردو بولنے والے بہت ہیں، عوام الناس کی زبان ہے، انگریزی تو چند لوگ ہی بول رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے وہ چند لوگ وہ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جو کچھ چیزوں کو بدل سکتے ہیں، جو لکھتے ہیں پڑھتے ہیں، لکھنے پڑھنے کی زبان انگریزی ہی ہے، وہ عوام الناس بیچارے جو اردو بول رہے ہیں وہ تو نہ 3 میں نہ 13 میں، تو یہ بھی ایک میرے خیال سے فکر کی بات ہے. سوال شروع مجھ سے ہوا تھا، ختم علی اکبر ناطق پہ ہوا ہے، میں بات شروع کرتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ میں نے غالب کی بات ہی نہیں کی، میری زبان اتنی باوضو نہیں تھی. دوسری بات، آپ نے یہ کہی کہ انگریزی پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں، اس جملے کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی. جہاں صرف انگریزی علم کی بنیاد ہو، جہاں صرف انگریزی علم کی بنیاد ہو، اس معاشرے میں کسی زبان میں بھی بات کرنا ناقص، بیکار اور وقت کو ضائع کرنا ہے. تیسری بات یہ ہے، آپ کا سوال کہ میں بچ کے نکل رہی ہوں، میں اب بچ کے کہاں جاؤں گی؟ میں تو افضال صاحب کے بقول بالکل پتلی گلی میں ہوں. میں تو بالکل، جو یہ مجھے یہ موضوع اس لیے پسند آیا کہ یہ موضوع ہمارے اندر کا جو ایک انتشار ہے، اور ہمارے اندر جو ایک ٹکراؤ ہے، اور اس ٹکراؤ سے ہمارے اندر جو بے چینی ہے، اس کا یہ اظہار کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک لفظ نون کتنی بنیادیں ہلا دی یہاں، کتنے ذہن کھول کے رکھ دیے سامنے، کتنی بات سمجھ میں آئی. آپ کا یہ کہنا کہ جو اردو بولتے ہیں وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں، میں نہیں مانتی. جس زبان میں زہرا نگاہ و کشور ناہید شعر کہتی ہوں، جس زبان میں انتظار صاحب نے کہانی لکھی ہو، اور جس زبان کا رس سننے کے لیے ہم سیف محمود کو دلی سے بلاتے ہوں، کیسے جانیے. ہم سب بھول گئے کہ مودی صاحب کیا کہتے ہیں، ہمیں صرف یہ یاد ہے کہ محمود کیا کہتے ہیں. یہ زبان کا جادو ہے. جی آپ کا ایک سوال. جی میں ڈاکٹر نیل کنٹھ ہوں، اور مجھے گلزار صاحب کا ایک شعر اردو پہ یاد آیا، اس باتیں کر رہے ہیں آپ تو، کہ بڑی ارسٹوکریسی ہے ربا میں، فقیری میں نوابی کا مزہ دیتی ہے اردو. پوری نظم پڑھ دیجئے. جی ربا میں اگرچہ معنی کم ہوتی ہے، الفاظ کی افراد ہوتی ہیں، مگر پھر بھی بلند آواز پڑھے کوئی تو معتبر لگتی ہے اردو. تو جاوید اختر صاحب ایک انٹرویو دے رہے تھے، کسی جو اہل زبان نہیں تھے ان کو شوق ہوا کہ جاوید صاحب کا انٹرویو کر لیں، تو وہ انہیں کو شوق ہو بھی سکتا. جی جی، تو انگریزی چینل کے کوئی ایڈیٹر تھے، تو جب انہوں نے کنکلوڈ کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا اب آپ اپنی آخری خواہش بتائیے. تو زبان کا اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے. انہوں نے کہا شاید آپ مجھے گولی مار دیں گے انٹرویو کے بعد. میں اس میں چھوٹی سی ایک بات، اقبال کے پاس کوئی لکھنؤ سے آئے لوگ ملنے کے لیے، تو جب واپس گئے تو انہوں نے کہا کہ کیسے پایا ان کو اور کیا کہا انہوں نے، کیا باتیں ہیں. تو انہوں نے کہا جی بس یہ ہے کہ ہم جی ہاں کر رہے تھے اور وہ ہاں جی کر رہے تھے. تو ہاں جی والے کی شاعری آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہ کیسی ہے. جی تو کوئی جی نہیں جی، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اور بھی بہت ساری علاقے ہیں پاکستان میں، جیسے کوئٹہ ہے، کوئٹہ میں جو ہے وہ 4-5 زبانیں مقامی ہیں، پشتو، براوی، بلوچی، فارسی. تو وہاں پہ ایک جو اردو ایمرج ہوئی ہے وہ بڑی ڈفرینٹ قسم کی اردو ہے. وہ کہتا ہے کہ جی زوئے تم کس چرت میں بیٹھا، اس کا مطلب ہے کہ تم پیارے، تم یار، تم کس فکر میں بیٹھے ہو. اس پہ کوئی آپ تبصرہ کریں گے کہ جو اس طرح کی زبان، اس پہ آپ بلاگز بھی آ رہے ہیں کوئٹہ کی زبان،
अच्छा, थैंक यू सर। एक सवाल सब कहने तो अच्छा, एक खातून जी आपके पास। मैं जी एक यूनिवर्सिटी में एक मजमून पढ़ाता हूँ इबलागे आम्मा, तो मेरा एक दर्द तो ये है कि जो बच्चे अब यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं उनकी ज़ुबान ख़राब होती है। पहले तो हम उस पर नेगेटिव मार्किंग करते थे, नंबर काट दिया करते थे, लेकिन अब ये मामला इतना ज़्यादा हो गया है कि अब हमने तय कर लिया है कि इनके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। जो सवाल पूछा गया है उसके जवाब पर नज़र रखें, ज़ुबान पर नज़र ना रखें। दूसरी बात ये कि मीडिया वाले हमसे कहते हैं कि आप मार्केट डिमांड्स के मुताबिक नहीं पढ़ाते। अब मार्केट डिमांड्स के मुताबिक पढ़ाना किस तरह हो, जब हम कोई ख़बर तैयार कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट कहते हैं सर गाना बताओ, गाना चलेगा चैनल पे, आप बताएं फिर सुने। खबर चल रही है, उसने उसको मामू बना दिया, ये किसी छोटे मोटे चैनल पे नहीं, जियो पर आपने कई दफ़ा सुना होगा, मामू बमाने बेवकूफ़ बना दिया। कितना खूबसूरत रिश्ता है, मेरे माँ का भाई मामू है। फिर ये कि असेंबली में फसाद हो गया, खबर चल रही है वहाँ तो हुआ दमादम मस्त कलंदर। अगर कलंदर एक सूफी बुजुर्ग थे और हमारे लिए काबिल एहतराम थे, तो फिर ये फसाद के माने में क्यों इस्तेमाल हो रहा है? और इससे भी ज़्यादा तकलीफ की बात यह है कि इस पर ये जो फोरम यहाँ आकर लोग बातें करते हैं, इस पर एहतजाज क्यों नहीं करते? मैंने कभी डॉन में जंग में इस तरह के मरासले नहीं पढ़े जो मीडिया की गलत ज़ुबान पर चीखते चिल्लाते हों, एहतजाज करते हों। और एक मेरी छोटी सी दरख्वास्त ये भी है, मैं 10 साल तक माहनामा आँख मचोली का मुदीर रहा, जो बच्चों का मैगज़ीन है मैंने शुरू किया था, और मैं उस हवाले से एक बात कहना चाहता हूँ कि अब तक जो ज़ुबान का हश्र मैंने देखा है और यूनिवर्सिटी लेवल पे जो ख़राब ज़ुबान लिखी जा रही है, तो मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि छोटी क्लासेस में और छोटी उम्रों में बच्चे को अच्छी कहानियाँ नज़में नहीं दी जा रही, तो जिनकी बुनियाद ख़राब हो जाती है वो आगे जाकर कोशिश भी करें तो अच्छी उर्दू नहीं लिख पाते। कोई सवाल है जनाब आपका? आप इसे सवाल समझें, मेरी ऑब्जर्वेशन समझें, मैंने आपके सामने रखी हैं। आपने मैडम ने कहा था कि खबर का मामला हो तो अल्फाज की बेहरमती जायज़ है, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इस हद तक बेहरमती जायज़ है कि मामू और दमादम मस्त कलंदर ये सब कुछ कहा जाए? जी मुझे अफसोस ये है कि मैंने ये नहीं कहा था कि बेहरमती जायज़ है। मैंने कहा था अगर इबलाग आमा तक बलागत का ये आलम है तो मेरी खामोशी बेहतर। जी आपका यह सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल जहरा पास है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज लबो लहजे की मालिक, सबसे पहले इनके लिए एक शेर पढ़ूंगी। बातों में खुलूस था लफ्ज़ों में एक मिठास, बातों में खुलूस था लफ्ज़ों में एक मिठास, हमको तो भा गया तेरा अंदाज गुफ्तगु। जहरा पा आपने कहा कि उर्दू को बदलना चाहिए, तो उर्दू नो क्या हुआ, आप क्या तब्दीली चाहती हैं इसमें, हम सब यहाँ सुनना चाहेंगे। पहली बात तो ये कि इस मुल्क में जो जहरा आपा कहलाती हैं वहाँ बैठी मैं खाके पा भी नहीं, मेरा नाम आरिफा है, बस इसी नाम से याद रखिए। दूसरी गुजारिश ये है कि आपने पूछा कि उर्दू नो क्या हुआ, और एक तो मेरी गुस्ताखी माफ़ कर दीजिएगा कि बहैसियत कौम हमें नुस्खा लिखना बहुत पसंद है, उर्दू दो चमचे सुबह दो चमचे दोपहर दो चमचे शाम, इंशाल्लाह इफाका होगा। ज़बान का मामला जहन का मामला है, आप जहन बदल दीजिए, आप सोचिए कि जहाँ उर्दू बोल सकते हैं वहाँ उर्दू बोलिए। मैं बगावतन उर्दू बोलती हूँ, अंग्रेज़ी की खाती हूँ, उर्दू के गुन गाती हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि कोई नुस्खा ऐसा नहीं होगा। सवाल ये होगा कि हम किन कितना कबूल करते हैं और कितना रद्द करते हैं। ज़बानों के बदलने में एक फितरी अमल होता है, लेकिन जो ज़बान हम अंग्रेज़ी अपनी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं वो फितरी अमल की बजाय मेरी अना का मसला है कि मैं बार बार तर्जुमा करती रहूं अपना, ताकि लोगों को ये खबर हो, यू नो, सो दैट पीपल नो इट कि मुझे अंग्रेज़ी आती है। अभी तक हम बहैसियत कौम ख़ुद पे नाज नहीं कर पाए,
हम टुकड़े ढूंढते हैं। वो जो ये कहते थे कि ज़िंदगी में इंसाफ की तलाश दरअसल इज़्ज़त की तलाश है, और इज़्ज़त की तलाश इंसाफ की तलाश है। जिस माशरे में इंसाफ पर स्याही फेर दी गई हो, वहाँ इज़्ज़त का तसव्वुर बड़ा मुश्किल है। वैसे वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन जी सवाल एक मुख्तसर सवाल जी, अगर बात से समझाने की हद तक है तो कोई भी ज़बान हो, चाहे अंग्रेज़ी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे पंजाबी हो, लेकिन यहाँ मसले दरपेश ये है कि हम एक अदबी महफिल में बैठे हुए हैं। बात सिर्फ समझाने की नहीं है, बल्कि लब लहजे की बात है और ख़ूबसूरती की बात है। ज़बान उर्दू की जो खूबसूरती है वो मैं पंजाबी के मामले में अर्ज़ करूँगा कि पंजाबी हज़रात, अंग्रेज़ी के अल्फाज का जिक्र हो रहा है, अंग्रेज़ी के बहुत से अल्फाज हमने इस्तेमाल कर लिए हैं उर्दू में जो ख़ास तौर पर एस से शुरू होते हैं, उनमें पंजाबी बड़े कंजूस है, अलिफ का इस्तेमाल बड़ी मुश्किल से करते हैं, न लिखने में करते हैं न बोलने में करते हैं। मसलन एक स्टूडेंट स्टेशन पर खड़ा स्पीच दे रहा था जिसको टेलीविजन के स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। अब ये इंतहाई गला गुजरता है कम अज़ कम मेरे कान के ऊपर, मैं तो इसको कहूँगा कि एक स्टूडेंट स्टेशन पर स्पीच दे रहा था, इस टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर दिखाया, स्क्रीन और जनाब ये स्टूडेंट, ये क्या चीज़ है, ज़रा पंजाबी हज़रत बताएंगे इसके। ये आखिरी सवाल आपका जी। जी महमूद, मेरा आपसे सवाल एक, मैं तो वैसे यहाँ सिर्फ इन लोगों के सवालात इनके जवाब सुनने आया हूँ। अच्छा, तो सवाल आप इन लोगों से कर लें कि दिल्ली की उर्दू और कराची की उर्दू में क्या फ़र्क है, और वो उर्दू तरक्की कर रही है या कराची की उर्दू? इजाज़त है मुझको, बड़ा सियासी सवाल है, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ सियासी सवाल। दिल्ली की उर्दू तरक्की करेगी दिल्ली के तहजीबी मिजाज में, कराची की उर्दू तरक्की करेगी कराची के तहजीबी मिजाज में। आप लोगों का मिजाज क्यों बदलना चाहते हैं? और मैंने पहले अर्ज़ की थी कि लहजे पर मत जाइए। लॉर्ड मैकॉले और उनके साथ उनका तलफ़ुज़ रुख्सत हुआ, अब अंग्रेज़ी किसी अंग्रेज़ की मीरास नहीं रही, दुनिया भर की ज़बान है। चीनियों को अंग्रेज़ी बोलते सुने तो बेहोश हो जाएं, पता नहीं चलता कि कौन से लफ्ज़ के क्या मानी थे। और आपने कहा कि पंजाबी में रस नहीं है, तो मेरे महबूब जनरल ज़ियाउल हक़ ने पंजाबी के एक शायर उस्ताद दामन को गैर मुहिब वतन और साजिशी करार दिया और गिरफ़्तार किया। वो बेचारे पुराने शहर के एक छोटे से कमरे में रहते थे और उनकी कुल मीरास किताबें थीं। उन्होंने उस हुक्मनामे पर एक शेर लिखा था, हुक्मनामे पर, न कुड़ी न शराब न चरस दामन ते शायर दे घर विचों बम निकले। एक दौर की पूरी ज़हनी तस्वीर, एक दौर का पूरा इक्तदार का मिजाज इस शेर में मौजूद है। ज़बानें ये क्यों हैं कि जो पंजाबी बोले वो पंजाबी ना बोले और जो उर्दू बोले वो भी पंजाबी ना बोले? मोहब्बत की ज़बान बोलिए, उर्दू खुद ब खुद संवर जाएगी। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा पंजाबी और उर्दू के हवाले से। आप तारीख को उठा लें, बड़े से बड़े शायर जो तकसीम के बाद और बल्कि उससे पहले भी पंजाबी ने पैदा किए हैं, पंजाबियों के घर में पैदा हुए हैं। फिक्शन नगार मतलब फैज साहब को आप देख लें, राशिद को देख लें, मीरा जी को देख लें, मजीद अमजद को देख लें, इकबाल को देख लें, मतलब इतना बड़ा मंटो को देख लें, बड़े से बड़े अफसाना नगार भी पंजाब में है। तो पंजाबी आपसे उर्दू से मोहब्बत करते हैं। मैं खुद बैठा हूँ पंजाबियों को गालियाँ अक्सर की, वो जो दो चार लोग होते हैं वो देते रहते हैं कि ये देखो हरामदा निकले साढ़े को। बहुत तो आप थोड़ा सा एक बहुत से बहुत शुक्रिया नाजिक साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक आखिरी बात पे इस बात को ख़त्म करता हूँ कि कल जब मैं यहाँ आ रहा था कराची परसों शाम को, तो मेरे साथ फ़्लाइट में एक खातून बैठी थी जो कराची की हैं और दुबई में रहती हैं। उनसे कहने लगी कि अच्छा आप हिंदुस्तानी हैं और आप उर्दू बोलते हैं। तो बहरहाल उसके बाद उनका जो दूसरा सवाल था उस पर मुझे बहुत गुस्सा भी आया। वो कहने लगे कि अच्छा, फिर मैंने अपना कार्ड दिया, कहने लगे अच्छा अच्छा सैफ महमूद आपका नाम है, आप मुसलमान हैं, आपकी ज़बान है उर्दू।
जी, तो ये सागर खयामी साहब ने जब किशोरापा दिल्ली में जब एक बार ये एबटोर बंद हो गया था और गोश्त मिलना बंद हो गया था, तो सागर खयामी साहब के दो शेर हैं, वही उर्दू के लिए बिल्कुल सही है, उसी पे मैं बात खत्म करता हूँ कि एक महीना हो चुका है बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियाँ अहले सुखन, खा के घुइयां क्या दिखलाए शायरी का बांकपन, हो चुके पालक का पत्ता नाजुकी से गुलबदन, और नफरतों की जंग में देखो तो क्या क्या हो गया, सब्जियां हिंदू हो गई बकरा मुसलमान हो गया। यही उर्दू के साथ भी हुआ है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। थैंक यू फॉर सच अ डिलाइटफुल सेशन। Thank you for attending the session, ladies and gentlemen. Our next session is titled Pakistan, a Fragile State or Resilient Nation, which will be moderated by Mujahid Barelvi, and the participants shall be Mia Raza Rabbani, Hamid Khan, Nasira Iqbal, and Ahmed Rashid. The session will begin at 12:15.